सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त फूडी खानदानी। इस क्वारंटाइन में बहुत टफ हो गया है रोज़ ये डिसाइड करना कि आज क्या बनाऊँ, स्पेशली अगर आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है तो फिर तब क्या करें, और या फिर हम दाल चावल खा रहे हैं तब क्या करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज की चटनी। तो बहुत ही ईजी है प्याज की चटनी, उसके लिए आपको चाहिए प्याज। तो प्याज को आप 5 या 6 प्याज आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपको चाहिए वो है इमली का पानी। तो आप इमली को पानी में डाल के रखिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इमली के साथ आप थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए उसी पानी में। तो गुड़ डालने से बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट आएगा उस चटनी में। और हमको चाहिए हरी मिर्ची, हल्दी और नमक, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको चाहिए वो है जीरा पाउडर। तो अगर आपके घर में जीरा पाउडर नहीं है, जैसे मेरे पास भी नहीं था, तो उसको तवे में सेक के आप अपने चकले बेलन से उसका पाउडर बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले एक बर्तन में ये जीरा पाउडर ले लीजिए। घर का बनाया जीरा पाउडर। फिर उसके बाद आपको जो इसमें डालना है वो है हरी मिर्ची। थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि वो मेन फ्लेवर है उसका। उसमें तो मैंने ऑलमोस्ट 2 स्पून हरी मिर्ची डाली। देन आपको डालना है इसमें नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड हल्दी। तो ये हमने अपना मसाला रेडी कर लिया है, तो उसको आप हाथ से मिक्स करिए। तो ये रहा आपका मसाला। अब आपको इसमें डालना है कच्चा प्याज। ये सारा प्याज डालने के बाद आपको जैसे उसको कूटना है ताकि जो प्याज का रस है वो बाहर आए और मसाले अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। ये प्रोसेस आप जितने अच्छे से करेंगे चटनी की उतनी ही टेस्टी बनेगी। आपको मेक श्योर करना है जो भी मसाले आप इसमें डालने हैं वो अच्छे से मिक्स होने चाहिए। हमारी प्याज अब ऐसी दिखी। अब इसमें जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट डालना है वो ये जो गुड़ और हमने ये इमली का पानी बनाया है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए क्योंकि इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। इमली उसमें से अलग कर लीजिए, इमली के पानी में से। तो ये हमने डाला इमली का पानी। अब इमली के पानी डालने के बाद अब इसको बहुत ही अच्छे से आपको मैश करना है। थोड़ा सा सादा गुड़ भी डालिए उसको, और उसके बाद फिर से पूछ सकते हैं अगर आपका गुड़ पानी में जरूरत नहीं है। रेसिपी बड़ी ही ईजी और इसका खाने में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा, स्पेशली आप बना के 2-3 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं जो इसका बेस्ट पार्ट है। तो इसको ऐसे कूटते रहिए, जितना आप इसको ज़्यादा कूटेंगे उतना ज़्यादा इस चटनी का फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आएगा। जो हमारी प्याज की चटनी है वो बन के तैयार हो गई है। और अगर जैसे आपको तो खुशबू जैसे आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी आ रही है, तो जैसे मुझे ऑयली पसंद नहीं है, जब किसी को थोड़ा सा ऑयली फ्लेवर पसंद है तो आप इसी प्याज की चटनी में गार्लिक मतलब लहसुन के साथ उसको तड़का दे सकते हैं। वैसे मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं इसमें नहीं करता, बट अदरवाइज आपको पसंद है आप दे सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही लाइक 5 मिनट में हमारी प्याज की चटनी बन के तैयार है। तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, कुछ आप फ्राई कर रहे हैं तो उसके साथ भी खा सकते हैं। तो आई थिंक इस क्वारंटाइन टाइम में आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक इफ़ यू लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फूडी खाना।